सुनने में ये भी आया था कि शायद सनम जावेद को हरासा भी करवाने की कोशिश की गई है मर्दों के लिए। वो जो हरासमेंट का सवाल आपने किया ना जी, वो सनम को जब 13 तारीख को पहले इन्होंने उस पर कोई चार्ज नहीं था, उसको 10 तारीख की शाम को इन्होंने, दोपहर को इन्होंने लिबर्टी से गिरफ्तार किया और डीसी के ऑर्डर के मुताबिक उसको 13 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया जेल में। हमने हाईकोर्ट से जाके उसका डीसी का ऑर्डर सेटिसफाइड करवा दिया। 16 की रात थी वो, हमें 2 बजे के करीब, हमारे लोग 24 घंटे थाने के सराउंडिंग में रहते थे या जहां सनम को रखा गया था, हमें पहले से खतरा था क्योंकि हमें ये था कि उसकी जो सोशल मीडिया की लड़ाई है वो कहीं उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो उस रात कोई 2:30 बजे के करीब उसको ज़बरदस्ती, उसको और तैयबा को 6 पुलिस वाले जो हैं वो ज़बरदस्ती खींचते हुए सीढ़ियों से ज़बरदस्ती करते हुए ऊपर 2nd फ्लोर पे ले गए और वहाँ पर एक कमरे में जहाँ पे पहले ही एक आदमी चारपाई पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, जाग रहा था, वो लेटा हुआ था धोती पहन के, बनियान पहन के, उसके सामने कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठा दिया। पहले उसे कहता है नीचे बैठ जाओ, मैंने तुमसे सवाल जवाब करने हैं। उसने कहा तुम कौन होते हो इस वक्त मेरे से सवाल जवाब करने वाले। सनम बहुत नाडर है और उसके जाहिर है उसके पास एक उस वक्त एक तुर्क का पता भी था। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा साथ अच्छा नहीं करूँगा या मेरी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगी। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम किस कानून के तहत मुझे बुला के यहाँ पे इस तरह बात कर रहे हो। उसने कहा मुझे बीबी ने ऑर्डर किया है कि जी आपकी वीडियो बनानी, बीबी ने ऑर्डर किया है। अब पता नहीं कौन बीबी है वो, उसने भेज के उसे दिखाता है कि ये देखो ये कितनी बेचैनी से तुम्हारी वीडियो का इंतजार कर रही थी, ये उसने देखो उसने देख भी लिया कॉल के। तो सनम ने कहा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम कानून के मुताबिक मुझे बताओ तुम्हें किसने कहा था। कहता है जी जिसको आप नानी कहती थी। अच्छा। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।